बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में आपको फिर से खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे देखने वाले तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हबीब फार्मेसी के देखने वालों को बहुत सारी खुशियाँ दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि है पिनिक्स। पेलिक्स है, 0.5 mg है, एल पेराजुलाम इसका फार्मूला है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फॉर एनजाइटी के लिए। आपको बताऊंगी इसके यूजेस, इसके डोजेस, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी पहुंच आपकी पहुंच से दूर ना रहे कोई भी इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है पिनिक्स एल पेराजुलाम एनजाइटी के लिए। वो पेशेंट जो शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं, वो पेशेंट जिनको बेख्वाबी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेस है, टेंशन है, जहनी दबाव है, या जिनको नींद नहीं आती है, एनजाइटी का बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है, तो उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं तो उनके लिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक पुरसकून नींद बहुत बड़ी नेमत है जो कि हर किसी के पास नहीं है, बहुत से लोग इस नेमत से महरूम हैं। तो जनाब उसके लिए डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, पिनिक्स को। एल पेराजुलाम इसका फार्मूला है। एल पेराजुलाम फार्मूले की और भी दूसरी मेडिसिन आती होंगी, जैसे कि आपने देखी हैं एल्प है, जेनेक्स है, और ये इसी फार्मूले की मेडिसिन है, बट इसके जो मतलब नेम है, कंपनीज हैं, वो अलग अलग हैं। तो फार्मूला सबका एक है, काम सबका एक है और यूजेस जो हैं वो सबके सेम हैं। तो आपने तो सबसे पहले इस्तेमाल करनी है अपने डॉक्टर के मशवरे से, क्योंकि नीम की दवा या कोई भी दवा आपने डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपने डॉक्टर को बताएं रिकमेंड करते हैं तो फिर ये दवा का इस्तेमाल करें। 0.5 mg की है, अपने डॉक्टर के मशवरे से आपने इस्तेमाल करनी है, वरना ओवर डोजिंग की वजह से आपको डायरिया हो सकता है और आपको मसल्स वीक हो सकते हैं, पट्ठों में खिंचाव हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, स्ट्रेस जो है मज़ीद बढ़ सकता है अगर आपने इसकी ओवर डोजिंग की, क्योंकि आपने इसको यूज़ टू नहीं होना, यानी आपने अपना आदी नहीं बनाना इस टैबलेट को। अपने टैबलेट आपने लिमिट में यूज़ करनी है, ज़्यादा इस्तेमाल करने से आप इसके आदी हो जाएंगे। तो आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी है, और आपको पता है कि हर चीज़ का लिमिट से ज़्यादा जो यूज़ है वो नुकसान देता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और प्रेग्नेंट वोमेन इसको यूज़ नहीं कर सकती, ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर भी इसको यूज़ नहीं कर सकती, लिवर के और किडनी के पेशेंट भी इसको डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नींद है, एनजाइटी है इसमें, एल पेराजुलाम इसका फार्मूला है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपने क्या करना है, आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप लोगों की किसी भी मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी किडनी में ना हो। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हमारी होने वाली है बहुत जल्द मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में हबीब फार्मेसी को याद रखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।